जहां आज दस्तक सवालों की है, सवाल जो सुप्रीम कोर्ट से सामने आए हैं, सवाल जो सीबीआई के सामने है, सवाल जिनका जवाब कोलकाता पुलिस नहीं दे पाई और सवाल जिनके कटघरे में बंगाल की सरकार है। ममता बनर्जी की राजनीति को रफ्तार कहते हैं पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ उत्पीड़न के मुद्दे को उठाने के बाद ही मिली। वो साल 1992 था। आज 32 साल बाद पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ विभत्स वारदात ने ममता बनर्जी के 13 साल से एक छत्र सियासी राज को सबसे मुश्किल सवाल के सामने खड़ा कर दिया। सरकार, सरकार के कुछ फैसले, सरकारी मशीनरी, सब पर सवाल उठ रहे हैं। और कोलकाता में 8-9 अगस्त की रात मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में भले जांच सीबीआई अब कर रही है, लेकिन बंगाल पुलिस ने पहले 5 दिन में इतनी छीछा लेदर एक संवेदनशील मामले की कर दी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच को कहना पड़ रहा है 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। 30 साल के करियर में किसी घटना की जांच में इतनी बड़ी लापरवाही नहीं देखी। क्राइम सीन की सुरक्षा के काम में बहुत देरी की गई। अदालत को इस घटना में कोलकाता पुलिस की भूमिका पर पूरा संदेह है। यह आकलन और टिप्पणियां इंसाफ के तराजू पर देश की सर्वोच्च अदालत की है, किसके लिए? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन वाली कोलकाता पुलिस, पुलिस की जांच, पुलिस की जांच प्रक्रिया, पुलिस के भरोसे सुरक्षा, सब कुछ संदेह के दायरे में आ चुका है। जहां दस्तक देता सवाल आया है, 32 साल पहले एक शोषित बच्ची को न्याय दिलाने की मांग लेकर पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन यानी राइटर्स बिल्डिंग तक जाने वाली ममता बनर्जी, क्या आप खुद सत्ता में होकर अपने शासन काल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई विभत्स वारदात के बाद सबसे बड़े सवालों के चक्रव्यूह में घिर चुकी हैं? इन्वेस्टिगेशन सीबीआई शुरू होने से पहले ममता बनर्जी के पुलिस ने जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन किया है, मुझे नहीं लगता सीबीआई इस केस में ज्यादा कुछ कर पाएगी। रेपिस्ट और चोरों को, उन आप लोगों को बचाने की कोशिश है। अस्पताल और पुलिस मिले हुए हैं, इसीलिए नहीं ऐसे घटना घट सकते। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 8-9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज के भीतर ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में पहले कोलकाता पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने जांच लायक भरोसेमंद नहीं माना, फिर कोलकाता पुलिस को डॉक्टरों की सुरक्षा करने लायक भी नहीं माना गया। अब कोलकाता पुलिस को पहले 5 दिन की जांच में भयानक लापरवाह मान लिया गया है। यहां तक कि दुर्गा पूजा कराने वाली समितियों तक ने बंगाल सरकार की नीयत पर भरोसा न करके सरकारी मदद वापस करना शुरू कर दिया। तो क्या माँ माटी मानुष की बात करने वाली टीएमसी की मुखिया और महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा हासिल करने वाली ममता बनर्जी की महिलाओं को लेकर ही नीति और नियत विपक्ष में रहकर अलग, सत्ता में रहने पर अलग होती है? इस सवाल की वजह ध्यान से देखिए। एक वक्त ऐसा भी था जब सीपीएम के सत्ता में रहते एक रेप पीड़िता जो न बोल सकती थी न सुन सकती थी, उसे लेकर ममता बनर्जी उसी राइटर्स बिल्डिंग में धरना देने तक पहुंच जाती हैं, जहां से बंगाल की सत्ता तब ज्योति बसु चलाते थे। ममता का मकसद तब था पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के शासनकाल में कानून का राज खत्म है ये दिखाया जा सके। तभी पुलिस ने जबरन ममता बनर्जी को उठाकर राइटर्स बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया था। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद ममता ने राइटर्स बिल्डिंग में खुद की सत्ता मिलने पर ही कदम रखने की बात कही, लेकिन फिर क्या हुआ? साल 2011 में ममता अपनी अलग टीएमसी पार्टी की सरकार बनाती है, लेकिन आरोप लगता है कि रेप पीड़िता को साथ लाकर न्याय दिलाने की 1993 में बात करने वाली ममता खुद सत्ता में आकर महिलाओं से अन्याय के मामलों में राजनीति बताकर टाल मटोल करने लगी। साल 2012 में कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट में एक महिला के साथ रेप हुआ। ममता बनर्जी ने तब दावा है मनगढ़ंत और सरकार के खिलाफ इसे साजिश बता दिया। 2013 में कामदुनी गैंगरेप केस के विरोध में हुए प्रदर्शन को तब दावा है कि ममता बनर्जी ने सीपीएम प्रायोजित बता दिया। 2022 में हंसखाली रेप केस को मुख्यमंत्री ने प्रेम प्रसंग बता दिया। लेकिन इन सब के बीच ममता ये जरूर दिखाती आई है
कि वो न्याय चाहती हैं। तभी तो 2013 में जिस रेप केस के विरोध को सियासी साजिश बताया, उसी पीड़ित परिवार से मिलने बाइक पर बैठकर मुख्यमंत्री पहुंच गई। अब की बार भी पीड़ित परिवार से मिलकर ममता बनर्जी आरोपी को तुरंत फांसी देने की मांग तो करती है। लेकिन जहां खुद बंगाल सरकार और सरकारी मशीनरी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात के बाद सवालों की कटघरे में है, वहां ममता बनर्जी ने अब सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि रेप के हर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर तेज सुनवाई हो और रेप के हर केस में 15 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो जाए। सवाल फिर आ गया सामने, क्या मांगों की ये चिट्ठी लिखकर ममता सरकार दरअसल उन सवालों को लिफाफे में बंद कर देना चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता की सड़कों तक पर पूछे जा रहे हैं। दस्तक देती आज की सीधी सी खबर यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान इस केस में नहीं लेता तो शायद पता ही नहीं चलता कि जांच पहले 5 दिन अपने हाथ में रहने के दौरान कोलकाता पुलिस ने पूरे केस में जमकर लीपापोती करनी चाहिए थी। पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी खुद सीएम ममता बनर्जी हैं, पुलिस उनके अधीन आती है। और तब याद करिए, कोलकाता में एंग्री यंग मैन बनकर पुलिस कमिश्नर कैसे ये कहते दिख रहे थे कि इस केस को सुलझाने के लिए उन्होंने तो जमीन आसमान एक कर दिया। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट आई तो पता चला कि कोलकाता पुलिस ने तो वो सब किया था जो जांच के मामले में कभी नहीं किया जाना चाहिए था। What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. The team is concerned that we have done what is right. Now the case has already been gone. We have not said anything about it. That CBI is investigating this. They will do it fairly. We have sent a media post. We will do all kind of support. We will give all support to this case. फिर तो सबसे पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के ऊपर ही कार्रवाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, क्योंकि जो कमिश्नर विनीत गोयल कहते हैं कि रेप और मर्डर केस की जांच में पहले 5 दिन इनकी पुलिस ने क्या कुछ नहीं किया, उसी किए धरे पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने समझिए यही कहा है कि अगर ऐसे पुलिस काम करती है तो फिर किस काम की पुलिस है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह सुनिए। अदालत में सीबीआई ने बताया है कि जिस क्राइम सीन को पुलिस को सुरक्षित रखना था उसे भी नुकसान पहुंचाया गया। तभी चीफ जस्टिस ने क्राइम सीन की सुरक्षा न होने पर भी गंभीरता से सवाल उठाया और कहा कि आप प्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह 10:10 पर दर्ज की गई। क्राइम सीन की सुरक्षा सबूत जुटाने आदि का काम रात 11:30 किया गया, तब तक क्या हो रहा था। सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी तब की जब डॉक्टरों ने उन पर दबाव बनाया। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं देखा जब किसी घटना की जांच में इतने बड़े स्तर पर लापरवाही हुई। ये तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये बात बहुत परेशान करने वाली है कि रेप और मर्डर 8-9 अगस्त की रात को हुआ, लेकिन पुलिस को अपराध के बारे में 9 अगस्त की सुबह 10:10 पर सूचित किया गया। अस्पताल प्रशासन वाले इतने लंबे समय तक कर क्या रहे थे। You may be right, Mr. Sibal. This is something which even the Criminal Procedure Code doesn't prescribe. Yes, exactly. The entire procedure, which has been followed by your police, police of the state, it is something which at least I have not come across in 30 years of my... I know. Who is this assistant superintendent, non-medical? Who is this person? Is this assistant... Superintendent, a male or a female? I believe it's a female, but I just make sure. Female. Her conduct is also very, very doubtful. Why did she act in this manner? FIR is registered after cremation at 11:45 night. जहां स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है,
वहां अगर मेडिकल कॉलेज प्रशासन से लेकर कोलकाता की पुलिस तक ने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ लीपापोती का काम किया है, तो दस्तक देकर आप पूछिए कि सवाल किससे हम करें, जिम्मेदार किसे माने। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन के बाद पहले तो सीपी को कान पकड़ के उसके पोस्ट से हटाना चाहिए। इट इज अ टोटल फेल। पुलिस कमिश्नर को ही मस्ट स्टेप। विनीत गोयल को अपने पद से हटाना चाहिए, उन्हें कंपलसरी वोटिंग में भेजना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री और होम मिनिस्टर दोनों ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी करती है, पुलिस क्राइम सीन सुरक्षित करने में देरी करती है। सीबीआई कहती है कि क्राइम सीन से खिलवाड़ पुलिस ने होने दिया, प्रिंसिपल ने तुरंत आकर एफआईआर कराने में देरी की। कोर्ट पूछता है कि आखिर प्रिंसिपल किसका बचाव कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक पूछा कि आखिर आप प्राकृतिक मौत दर्ज करने से पहले ही पोस्टमार्टम कैसे करा लिया। अकॉर्डिंग टू योर रिकॉर्ड द यूडी वाज रजिस्टर्ड एट व्हाट टाइम्स? 1:45 PM. 1:45 PM. No, that's not true. That 1:45 PM. How do we reconcile the two records? Manoj, I'll show that to your lawyer. Because we today have a report. Manoj, but that I'm saying, Manoj, which indicates that this is the time. So therefore, it's very surprising. Postmortem precedes registration of UD. No, Manoj, this is what I am told, Manoj, and I can only respond. Is someone responsible there to assist? Yes, yes, certainly, Manoj. If any officer is present, you may speak to him and tell us. Because if this is the fact, then it is something very dangerous. I agree. सिर्फ इतना ही नहीं, कोलकाता की पुलिस के भरोसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने खुद को सुरक्षित नहीं माना, तभी तो सीआईएसएफ के 150 जवान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब तैनात कर दिए गए। आरजी कर में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से सेंट्रल फोर्सेस की दो टुकड़ी यानी कि दो कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनात करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिससे पहले स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें डर लग रहा है यहाँ पे काम करने के लिए और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए दो कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। यानी गृह मंत्री के तौर पर ममता बनर्जी के विभाग से चूक हुई, क्योंकि पुलिस फेल साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर ममता बनर्जी से चूक हुई है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन सवालों के कटघरे में है। और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के तौर पर भी ममता बनर्जी सवालों में ही है, क्योंकि वो महिलाओं के बीच फैले डर को दूर करने में कामयाबी हासिल अब तक नहीं कर पाई। आज अदालत में सुनवाई के दौरान भी क्या पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से तथ्यों से खेलने की कोशिश हो रही थी? क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में देरी पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पीड़ित डॉक्टर के माता पिता चाहते थे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज न की जाए, जिस पर सीबीआई की तरफ से कहा गया कि एफआईआर तो पीड़ित के पिता ने ही दर्ज कराई। इसीलिए सवाल ही सवाल की बात आज हमें आपसे करनी पड़ रही है, जहां अगला सवाल यही कि आगे क्या होगा, सीबीआई आगे की जांच में क्या करने वाली है। बुझते पारे नहीं সেদিন ও খুব হাসি খুশি ছিল, 11:15 যখন আমাকে ফোন করেছে খুব হাসি খুশি ছিল, মা আমাদের খাবার এসে গেছে আমরা খেয়ে নেব, তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে বাবাকে ওষুধ দিও ঘুমিয়ে পড়ো। এবং অন্যদিন পরে ফোন করে, সেদিন আর ফোন করেনি পরে। এবং আমি বুঝতেও পারিনি হয়তো আমার মেয়েটা ঘুমের মধ্যে কত মা মা বলে চিৎকার করেছে, সেই কানটা আমার কানে এসে পৌঁছায়নি, আমার মেয়েটা চলে গেছে। जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके बेटी के जीवन को सवारने में सब कुछ झोंक दिया, वो गोल्ड मेडल लाने की चाहत साल रखने वाली बिटिया के जाने के बाद टूट गए। चाहते हैं कि जल्द न्याय मिले और तब जांच में अब तक क्या निकला ये सब जानना चाहते हैं। कोलकाता पुलिस ने जो भी छीछालेदा जांच के पहले 5 दिन में की, उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन करती सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक अब तक की सीबीआई की जांच में सामने आया कि आरोपी संजय रॉय ही इस वारदात में अकेले शामिल रहा। डीएनए प्रोफाइलिंग और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर सीबीआई को लगता है कि संजय रॉय के अलावा रेप मर्डर में कोई और नहीं था। यानी सीबीआई की अब तक की जांच के मुताबिक गैंगरेप के दावों की पुष्टि नहीं हुई, मामला अभी सिर्फ रेप और हत्या का ही है। सीबीआई की जाँच हालांकि अभी पूरी नहीं हुई। सीबीआई अभी इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय के अलावा कोई और आरोपी भी शामिल हुआ हो। तब आज तक से बातचीत करते हुए
पीड़िता के परिजनों के आरोपों पर गौर करिए। আমরা বিচার চাইছি, কে সিবিআই, কে কি, আমরা কিছুই জানি না। আমার মেয়ের সঙ্গে যে নারকীয় কাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তাদের চরম শাস্তি চাইছি এবং খুব তাড়াতাড়ি চাইছি যে তারা যেন দ্রুত সাজা পায়। আজকে 14 দিন হয়ে গেল, কোন রকম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিছু একটা। ওই সঞ্জয় রায় বলে একজনকে ধরে অ্যারেস্ট করেছে, ব্যাস ওই পর্যন্তই তো দেখতে পাচ্ছি। তারপরে যে এই যে প্রক্রিয়ার কি কোনো রেজাল্ট আমরা কোনো পাইনি। এই যে সঞ্জয় রায়, কখনো মেয়ের মুখে শুনেছেন তার কথা আগে? না না, তার ও এরকম কোনো কথা কয়েতে এমনিতেই কোনো বিষয়টা সম্বন্ধে আমরা জানতামই না। আর কলেজ ডিপার্টমেন্টকে তো আমরা প্রথম থেকেই দায়ী করে আসছি এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত তারা কলেজের ভেতরেরই যে লোকজন আমাদের ধারণা কি, কারণ বাইরে থেকে কেউ উড়ে এসে এই কাজটা করেনি। সঞ্জয় যদি করে থাকে তাকে কেউ কেউ নিয়োগ করা হয়েছে। ডক্টর বেটি কে মাতা পিতা কো লাগতা হ্যায় কি সঞ্জয় রায় কো কিসি নে মারনে কে লিয়ে ভেজা থা, লেকিন কিউ অর কিসনে, আরোপ কি সুই প্রিন্সিপাল রহে সন্দীপ ঘোষ কি তরফ ঘুম জাতি হ্যায়। এতক্ষণ ধরে কোনো কথা প্রিন্সিপাল তো এসে বলেনও নি যে এর জন্য আমি দুঃখিত বা চেষ্টা করছি দেখি বিচি কি করা যায়। কোনো আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের সঙ্গে কলেজ থেকে এখনো যোগ এ তো আমাকে সবকিছু বলতো, উনি নাকি টাকা নিয়ে ফেল করিয়ে দেন এবং মেয়ে বাবাকে বলতো, বাপি আমি যে ওখানে আছি এটা কাউকে বলবে না, কাউকে ভর্তি করিয়ে দিতে আমি পারবো না, তাহলে আমাকে ফেল করিয়ে দেবে, এগুলো মেয়ে বলেছে। সমস্যা তৈরি হতো কলেজে, সেই জন্যই হয়তো চাপে থাকতো আর কি, এসব তো চাপ ছিল। আমরা তো গিয়ে ফার্স্ট আগে মেয়েটাকে দেখবো, এই অবস্থা তো ভাবতে পারিনি। আমি বারবার পুলিশকে মানে বলেছি আমাদের মেয়েটাকে দেখতে দিন, দেখতে দেয়নি। মেয়ের মুখটা কাছ থেকে দেখতে পারেননি, পরে দেখতে পেরেছি, চার ঘন্টা পরে দেখেছি। কিন্তু যখন একদম বাড়িতে এসে ঘরে নিয়ে গেছি তারপরেই মেয়ের মুখটা দেখতে পেরেছি। কোথাও কি একটা তাড়াহুড়ো ছিল সবকিছু, খুব তাড়াহুড়ো ছিল ওদের, খুব তাড়াহুড়ো। আর বেশি কথা আপনাদের সঙ্গে বলবো না, শুধু একটাই কথা বলবো, সামনের লড়াইটা খুব কষ্টের। আরো जो छानबीन अब तक की है उससे एक बात तो अब साफ हो रही है कि अभी तक इस मामले में गैंग रेप के सबूत या ठोस सबूत सीबीआई को नहीं मिले हैं। जो वारदात की सुई है वो संजय रॉय पर ही टिकी हुई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से मामले पर लीपापोती करने का आरोप है और सीबीआई की सूची में इस वक्त सबसे ऊपर चल रहे हैं जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष। संदीप घोष से सीबीआई 7 दिन लगातार पूछताछ कर चुकी है। संदीप घोष पर शक इसलिए भी रहा है क्योंकि आरोप लगा कि मुख्य आरोपी संजय रॉय तो प्रिंसिपल रहे संदीप घोष का बाउंसर बनकर घूमता था। प्राइवेट सिक्योरिटी लेके घूमते थे प्रिंसिपल? हाँ, प्राइवेट कॉलेज प्रिंसिपल। वो इतना इन्फ्लुएंशियल कि वो कॉलेज प्रिंसिपल 4 बाउंसर्स को लेके घूमते थे, 20 सिक्योरिटी। किस बात की? क्योंकि वो करप्टेड आदमी थे, वो बेसिकली ही इज अ क्रिमिनल माइंड, और जो आदमी ऐसा होता है उसको अपना जान का डर होता है, पैसे का डर होता है। सीबीआई इस मामले में संदीप घोष की इस्तेमाल की गई एसयूवी की जांच भी बुधवार को कर चुकी है। अब सीबीआई ने संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत भी कोर्ट से हासिल कर ली। साथ ही सीबीआई उन 4 डॉक्टर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी जिन्होंने 8 अगस्त की रात महिला डॉक्टर के साथ ही डिनर किया था। दरअसल सबका पॉलीग्राफी टेस्ट करा के सीबीआई ये जांचना चाहती है कि जो बयान अब तक इन लोगों ने दिए वो सही हैं या फिर नहीं। অবশ্যই আমরা সংবাদ মাধ্যম হিসেবে আমাদের একটা দায়, আমাদের একটা দায়িত্ব সবটাই রয়েছে, আমরা সেটাই চেষ্টা করব। একটু এই যে যখন আরজি করেও চান্স পেল তখন আপনি গেছিলেন ভর্তি করতে? আচ্ছা, আমরা একটা কথা শুনছি, আপনারাই বলবেন ঠিক না ভুল, যে অভয়া কি বলতেন যে আমি আর আরজি করে যেতে চাই না, আমার ভালো লাগে না, বলতো মা আরজি করে যেতে আমার আর ভালো লাগে না। আমি বলতাম কেন ভালো লাগে না, তুই তো কলেজে যেতে ভালোবাসিস না, ওখানে যেয়ে আমার যেটুকু শেখার আমার শেখা হয়ে গেছে, এখন যাই কাজ করি চলে আসি, আর ওখানে তাই যেতে ভালো লাগে না।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये कहें कि देश में हर दिन रेप की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए सख्त कानून और नियम चाहिए, लेकिन वो इस सवाल के जवाब को किसी लिफाफे में बंद नहीं कर सकती कि सुरक्षा को लेकर फैला डर दूर कैसे करेंगी, क्योंकि मसला नीति नहीं बल्कि नियत का है, जिस पर पश्चिम बंगाल में शक दुर्गा पूजा आयोजित करने वाली समितियों ने उठाया है। अक्टूबर में नवरात्र है, दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें बंगाल सरकार दुर्गा पूजा कराने वाली समितियों को 85,000 रुपए की मदद देती है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि महिला डॉक्टर के साथ हुई निर्ममता के खिलाफ नाराज होकर दुर्गा पूजा कमेटी अब सरकार से मिलने वाली मदद का विरोध करने लगी है, उस मदद को ही लौटाने लगी है जो सरकार दुर्गा पूजा के लिए देती है। जो आरजी का जो दुखद जो घटना हुआ है, वो घटना के आधार पे हम लोग एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट के चलते हम लोग ये जो 85,000 मतलब 85,000 का जो हम लोग का जो गवर्नमेंट का जो दान है, वो जो दान हम लोग को दे रहे हैं, वो दान हम लोग ने रिफ्यूज किया है, मतलब वो ठुकराया है। तो एक डॉक्टर जो हम लोग को हम लोग का सोसाइटी में भगवान का दूजा स्थान दिया जाता है, वो दूजा स्थान का आदमी को कोई अगर रेप कर देता है तो मतलब हम लोग का सोसाइटी कहाँ गया है। तो इसी के चलते हम लोग उत्तरपाड़ा अपना दुर्गा पूजा का एक सदस्य होके हम लोग दोनों का ये तरफ से हम लोग उत्तरपाड़ा का पूरा जो हम लोग का जो लोकेलिटी है, हम लोग का जो पाड़ा है, वो पाड़ा से हम लोग यही आपको मैसेज देना, मतलब ये हम लोग का डिसीजन लिया है कि एक रेजोल्यूशन हुआ है, ये रेजोल्यूशन है कि हम लोग जो 85,000 रुपया जो गवर्नमेंट हम लोग को दे रहा है वो हम लोग एकदम ठुकरा है। একটা মেয়ে হিসেবে একটা মেয়েকে দুঃখ দেখেছি, তার মৃত্যুটা আমার কাছে প্রচন্ড ভাবে আমাকে পড়া নেড়ে দিয়ে গেছে, সেই প্রতিবাদ জানানোর জন্য এইটা আমরা ক্লাব থেকে ডিসিশন নিয়েছি, এইটুকু আর কিচ্ছু না, এর থেকে বেশি কিছুই না।